इंशाल्लाह देखनी पड़ेगी। अशोक जी पीछे आओ, देखिए राजस्थान के अंदर 5 माह करीब हो गए हैं कांग्रेस की सरकार बनी है, और जब से सरकार ये बनी है तब से महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की जो घटनाएं घट रही है वो निरंतर होती चली जा रही है, कहीं बंद होने का नाम नहीं ले रही। थानागाजी की घटना पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना थी, उसके बाद भी जिस तरह से कभी किसी शहर के अंदर कभी किसी जिले के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बीड़ा उठाया है, और माननीय राज्यपाल महोदय से मांग कर रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त की जाए। ये सरकार बिल्कुल फेल हुई है, किसी तरह से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, और एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह से ये बढ़ चढ़ करके बात करते हैं और दूसरी तरफ से जब आंकड़े उठा के देखें तो करीब 28% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से ये महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, नारी सुरक्षित नहीं है, और इसके अलावा चोरियों की और दूसरी घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि आए दिन रात को मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ कोई ATM तोड़ने की इस तरह की घटना हो रही थी, लेकिन इस पर किसी तरह से प्रभावी रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि सरकार को बर्खास्त करे और इस प्रकरण की पूरी जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। महिला उत्पीड़न के घटनाओं में 28% वृद्धि हुई है और दलित उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर होती जा रही है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 1503 दुष्कर्म की घटनाएं पूरे प्रदेश में घटित हुई है, और थानागाजी में जिस प्रकार के जघन्य अपराध कुछ लोगों के द्वारा किया गया, पति को बंधक बनाकर एक दलित महिला के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया, और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि वो गैंग रेप होने के बाद 26 तारीख की घटना और उसके बाद 9 मई तक इस मामले को दबा के रखा गया। कांग्रेस के एक बड़े नेता के इशारे पर चुनाव में कांग्रेस को नुकसान नहीं हो जाए इसलिए इस घटना को दबा के रखा गया, और जब मीडिया में ये मामला उजागर हुआ उसके बाद सरकार हरकत में आई और अब वो लीपापोती कर रही है। एक छोटे अधिकारियों को पर एक्शन लेकर और SP को केवल APO करके और इस जघन्य कांड की तीसरी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इसकी जांच की जानी चाहिए और किस नेता के इशारे पर इस प्रकार के जघन्य अपराध को दबाए रखने का काम हुआ, किस स्तर पर ये मामला हुआ, इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदार हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, और उनको नैतिकता के आधार पर, वो बड़े गांधीवादी बनते हैं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात आप देखिए कि वहाँ जिस SP को अभी लगाया गया है वो SP नागौर में जब थे तो वहाँ एक कांस्टेबल को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने का आरोप उन पर है।
एक कांस्टेबल ने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली, ऐसे आरोपी व्यक्ति को वहाँ SP बनाकर के लगाया गया है, तो इसमें मुझे सरकार की नीयत में खोट नज़र आती है। इसलिए इस पूरे प्रकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और जहाँ जहाँ आवश्यक होगा आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी। लोकतांत्रिक तरीके से जो जो भी विरोध का मामला है उसको हम करेंगे। और आज पहले हमने जिला हेडक्वार्टर्स पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और कल जयपुर में गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया और आज राजस्थान के सभी डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर हम डिवीजनल कमिश्नर को ये ज्ञापन दे कर के और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे और इसकी पूरे प्रकरण की जांच की जाए और इसमें किसके इशारे पर ये काम हुआ इसका पूरा लेखा जोखा जनता के सामने आना चाहिए। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम बड़े संवेदनशील हैं और ये संवेदनशीलता का परिचायक है कि 26 तारीख की घटना को 9 मई तक जिस प्रकार से दबा के रखा गया, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता, संवेदनहीनता हो नहीं सकती। इसलिए हमने मांग की है कि अशोक गहलोत, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय भी है, वो इस्तीफा दें और वो इस्तीफा नहीं देते तो गवर्नर उनको बर्खास्त करें। 4 महीने में इस कांग्रेस की सरकार में जो महिलाओं पर, दलितों पर, अबोध बालिकाओं, नाबालिग बालिकाओं, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, जो आज तक का रिकॉर्ड सारा तोड़ दिया इन्होंने, और जिनकी एक महिला बाल विकास मंत्री है उन्होंने उसको वीडियो उसका बनाया है, जबकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। सबसे बड़ा जो इस सरकार का अपराध है कि 26 तारीख को यह घटना घट गई और ये घटना भी छिपी हुई नहीं थी, पति के सामने पति को बंधक बनाकर और पत्नी के साथ 5 जनों ने अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार किया और उसको दबाने का इस सरकार ने कोशिश करी है। ये सबसे बड़ा अपराध तो यह है। 26 तारीख से लेकर, क्योंकि 29 अप्रैल को चुनाव था राजस्थान में, 6 मई को चुनाव था राजस्थान में, इन्होंने देखा ये चुनाव में हमारे को नुकसान हो जाएगा। उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि उस परिवार में क्या बीत रही है, उस महिला में क्या बीत रही है, उस दलित परिवार की क्या दशा है, उनकी उसकी परवाह नहीं करी, उन्होंने वोटों की परवाह करी, इस बात को दबाए रखा। मैं तो ये कहना चाहूँगा इस सरकार को एक मिनट भी सरकार में रहने का कोई इनका दायित्व नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए और हम तो राज्यपाल से, गवर्नर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति को कह के तुरंत ही सरकार को बर्खास्त करें।